हेलो दोस्तों, ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बनाया गया एक हेल्थ कार्ड है। ये जो कार्ड है सभी लोगों का बनने वाला है। सभी अपडेट आया है, आप सभी लोगों के पास राशन कार्ड आधार कार्ड है, तो आप सभी लोग घर बैठे बना सकते हैं। मैं यहाँ पर सभी को एक डायग्राम दिखाने वाला। तो आप सभी को प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है आयुष्मान ऐप। तो ये जो एप्लीकेशन है, जो कि गवर्नमेंट की ही एप्लीकेशन है, आ जाएगी। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ऐप को फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशंस का पेज आएगा और एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आई एम एलिजिबल में जो लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आप सभी को लॉगिन के दो टाइप दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पर एक एंड यूजर हो, आप अपना खुद का कार्ड बनाना चाहते हो तो बेनिफिशियरी के टैब पे क्लिक करोगे और अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर हमें फिल करना है और वेरीफाई की टैब पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही हमारे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर फिल करना है। और कैप्चा कोड जो भी दिखाया गया जैसा भी है, सेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आप सभी को स्कीम के सेक्शन में आना है। कई सारी स्कीम आज की डेट में आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसे कि हम PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर हेल्थ कार्ड बनाना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब अगर आपको ये जानना है कि स्माइल, पीएम केयर, नमस्ते, ये क्या है, तो इसके बारे में हमने डिटेल एक आर्टिकल लिख रखा है, जिसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे रखा है। इस पे क्लिक करके आप रीड कर सकते हो। स्टेट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो भी स्टेट है सिलेक्शन करना है। सब स्कीम के सेक्शन में आज की डेट में आप देखोगे कि ये जो आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड है, कई सारे लोगों के लिए अवेलेबल है। जैसे कि कोई आशा है, आंगनवाड़ी वर्कर है, या फिर जिसका श्रमिक कार्ड बना हुआ है, या फिर अंत्योदय अन्न योजना के अंदर राशन कार्ड बना हुआ है, तो वो लोग भी अपना जो कार्ड है यहाँ पर बना सकते हैं। तो जिस भी योजना के अंदर आप पात्र हो, यहाँ पर आपको वो सिलेक्शन करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर भी PMJAY वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर दिया है। सर्च बाय के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर आज की डेट में आपको केवल तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पर पोर्टल पर जो लोग पहले आते हैं उनको पता होगा कि यहाँ पर पहले कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहे थे, जहाँ पर आप नेम के जरिए या फिर लोकेशन के जरिए पूरी की पूरी लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते थे। जितने भी लाभार्थी थे उनकी जो डिटेल है वो देख सकते थे, लेकिन कई सारे स्कैमर्स ने इसका मिसयूज किया है, इसकी वजह से यहाँ पर लिस्ट हटा दी गई है। तो जैसे कि आपको फैमिली आईडी या फिर PMJAY आईडी आपको पता है तो यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। मुझे नहीं पता तो मैं आधार नंबर वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज करूंगा। और अब हमें यहाँ पर 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो फिल कर देना है। कैप्चा जो भी दिखाया गया है जैसा भी है सेम दर्ज करना है और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने हमारे फैमिली की जो डिटेल्स हैं वो फेच होकर के आ चुकी हैं। अब यहाँ पर मेरे केस में जैसे कि देखोगे कि यहाँ पर मेरा नाम आ चुका है, इसी के साथ में परिवार के जितने भी अन्य सदस्य जिनका हेल्थ कार्ड बना हुआ है या फिर नहीं अभी बना हुआ है, उनकी सभी की डिटेल यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर जिसका भी हेल्थ कार्ड आपको बनाना है उसके आगे डू ई केवाईसी का जो ऑप्शन आपको दिखता है, इस पे आप क्लिक करोगे और आप सभी के सामने केवाईसी करने का ही कई सारे ऑप्शन आते हैं, जिसमें कि आधार ओटीपी के जरिए आप केवाईसी कर सकते हो। आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी रिसीव होगा। इसी के साथ में आप चाहो तो फिंगरप्रिंट, आयरिस डिवाइस अगर आपके पास मौजूद है तो ये सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे केस में मेरा जो आधार है उससे मोबाइल नंबर लिंक है, हमने वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक किया है। कंसेंट का जो पेज आएगा इसमें कुछ इस तरीके से स्लाइड करना है, यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अलाउ करना है। तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में जिस मोबाइल नंबर के जरिए आपने लॉग इन किया है उस मोबाइल नंबर पर भी एक ओटीपी सेंड किया गया है, वो यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर जैसे ही आप ओटीपी दर्ज करते हो आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो हो जाता है। ऑथेंटिकेशन होने के बाद में आपको कार्ड को बनाने के लिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड पहले से आपके मौजूद है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। किस योजना के अंदर आपका हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर ये जो कार्ड है इसको क्रिएट करने के लिए आप सभी को अगेन अभी KYC करना है। तो यहाँ पर आधार ओटीपी वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। कंसेंट को कुछ इस तरीके से रीड करने के बाद में यस करेंगे, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि आपके फोन पर दोबारा से एक ओटीपी आपको रिसीव होगा जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है। यहाँ पर हम वो ओटीपी दर्ज करेंगे और देखोगे कि ओटीपी फिल करते ही हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर जो भी रिकॉर्ड्स मौजूद थे वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुके हैं।
यहाँ पर सोर्स डिटेल, यहाँ पर सोर्स डिटेल जो पहले से पोर्टल पर डिटेल मौजूद थी वो दिखाई गई है। इसी के साथ में आधार के जरिए जो केवाईसी डिटेल आई है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी जो फोटो है वो भी आधार के जरिए आ चुकी है, लेकिन ये जो फोटो है हम कार्ड पर नहीं लगाना चाहते, हम एक लेटेस्ट फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं, जिसके लिए कैप्चर का ऑप्शन दिया गया है। जिसपे क्लिक करोगे तो आपके फोन का जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको अपनी जो फोटो है वो कैप्चर कर लेना है। ध्यान रखना है कि उस समय प्लेन वॉल या फिर प्लेन कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए। देन पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर अगर आपका जो मैचिंग स्कोर है वो 80 से ऊपर है तो आपका जो कार्ड है वो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के केसेस में मैचिंग लेवल जो यहाँ पर दिखाया गया वो 80 से कम भी हो सकता है। उन लोगों का जो कार्ड है वो इमीडिएट जनरेट नहीं होता है, इसका फिजिकली वेरिफिकेशन किया जाता है, वो भी 3 से 4 दिनों के अंदर हो जाता है, जिसके बाद में आप कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे केस में मेरा जो स्कोर है काफी अच्छा है, तो बिल्कुल यहाँ पर हम नया मोबाइल नंबर इसमें अपडेट कर लेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर अभी रजिस्टर्ड किया है उस पर एक ओटीपी आएगा, वेरिफिकेशन के लिए आपको फिल करना है। और यहाँ पर जो भी फैमिली का हेड है उससे जो भी आपका रिलेशन है, आपको कई सारे रिलेशन की कैटेगरी दिखाई देंगी, आपको चूज करना है। और अपना बर्थ का जो भी ईयर है यहाँ पर आपको चूज करना है। अपने एरिया का जो पिन कोड है हम दर्ज करेंगे। आपकी जो लोकेशन है, आप शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो केवाईसी है वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है। इसी के साथ में आप देखोगे कि कार्ड हमारा इमीडिएट जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पर डाउनलोड कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन आप सभी को करना होगा, अलाउ करोगे, आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा जिसको यहाँ पर आपको दर्ज करना है। ऑथेंटिकेशन हमारा हो चुका है, यहाँ पर कार्ड को डाउनलोड करने के सेक्शन में हम आ चुके हैं। यहाँ पर जितने भी परिवार के सदस्य जिनके कार्ड बने हुए हैं उनके नेम दिखाए गए हैं। जिसका भी कार्ड आपको डाउनलोड करना है उसके आइकन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक पीडीएफ फाइल यहाँ पर दी गई है जिसमें कि हमारा जो कार्ड है वो यहाँ पर दिया गया है, जिसके जरिए हम 5 लाख रुपए तक का जो मुफ्त ट्रीटमेंट है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, किसी भी सूचीबद्ध प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर करा सकते हैं। ये जो कार्ड है इसको डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। शेयर करने का ऑप्शन दिया गया है, बाकी प्रिंटर है तो प्रिंट भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार आप आयुष्मान हेल्थ कार्ड बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।